धारनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना में विगत दिवस 22 वर्षीय दरिंदे ने एक 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पूरी घटना धारनगर के संजय कॉलोनी घटी है, जहां पर आरोपी राहुल पिता संजय ने मासूम को विमल पाउच लाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। वही आरोपी के घर के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाद आज फिर आरोपी के घर के पास आक्रोशित लोगों की भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हंगामा करते हुए लोगों ने आरोपी के मकान को तोड़ने और फांसी देने की मांग की। इस दौरान SDM, CSP और लोगांव TI पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। वही आक्रोशित लोगों की मांग के बाद प्रशासन द्वारा आरोपी के मकान को तत्काल तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी और JCB के माध्यम से उक्त निर्माण को ढा दिया गया। कोई भी अवैध दारू संजय नगर के अंदर कोई नहीं बेचता है। आपके पास बहुत प्यारी वीडियो बना। ये आपको ज्ञात होगा, यहाँ कल दुष्कर्म की घटना हुई, साथ ही साथ यहाँ के आसपास के लोगों की मांग थी कि अवैध अतिक्रमण है, यह इसको छोड़ा जाए। हमने जांच की, क्योंकि यह अतिक्रमण अवैध है, लिहाजा हमने सुरक्षा कारणों से इसको हटा दिया। सर, बताया जा रहा है कि कल जो हुई दुष्कर्म की घटना, उस आरोपी का मकान बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, तो मकान ये है। इसी तारतम्य में जन आक्रोश और चूंकि अवैध अतिक्रमण है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासन ने इसको